भी दिन में आप सबों का स्वागत है माजीरा समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा कुरीतियों को दूर करने हेतु मानव श्रृंखला आयोजन की तैयारियां पूरी। जिला प्रशासन के साथ प्रखंड पंचायतों के आम नागरिक जनप्रतिनिधि विभिन्न पार्टियां समेत सरकारी प्राइवेट स्कूल के बच्चे एवं शिक्षकों की होगी भागीदारी। 418 किलोमीटर तक होगा निर्माण। राजद के बदले बोल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सर राजद नेता मामा अली अशरफ फातमी ने कहा, बाल विवाह दहेज उत्पीड़न के खिलाफ अभियान जैसा काम किसी एनजीओ का है न कि सरकार का, जनता को भटकाने का कर रहे काम। और पुण्यतिथि पर याद किए गए ख्याति लब्ध पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन एवं पत्रकारिता विषय पर वक्ताओं ने रखे विचार। आगे समाचार विस्तार से लेकिन थोड़ी देर में। प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार मानव श्रृंखला की सफलता के लिए जो कि 21 जनवरी को 12 बजे दिन में होना है और पूरे बिहार में एक नया रिकॉर्ड बनाना है, इस बार मानव श्रृंखला शराब के लिए नहीं है। इस बार मानव श्रृंखला आयोजित की जा रही है दहेज के विरोध और बाल विवाह के विरोध के लिए, और इसकी सफलता के लिए जिला प्रशासन स्तर पर और आम स्तर पर पूरी तैयारी हो रही है। पहले साइकिल रैली जगह जगह नुक्कड़ और मोटरसाइकिल रैली निकाली गई शुक्रवार को, उसके बाद शाम को एक दहेज लेने वाले जो दहेज रूपी सांकेतिक दानव और बाल विवाह करने वाले का सांकेतिक पुतला दहन किया गया। उससे पहले पुतला लेकर लोहिया चौक से समाहरणालय होते हुए पूरे तामझाम गाने बजाने के साथ जिलाधिकारी स्वयं पहुंचे नेहरू स्टेडियम में, और जैसे ही अंधेरा हुआ पूरी विधि विधान के साथ उसे उसका वध किया गया, आग लगाया गया, पुतले का दहन किया गया और लोगों ने तालियां बजाई, प्रण लिया गया कि दहेज रूपी दानव का अंत करेंगे। मानव श्रृंखला बनाकर 21 जनवरी को 12 बजे दिन में इतिहास दोहराएंगे जो पिछले बार 21 जनवरी को जब शराब के विरोध में मानव श्रृंखला बनाई गई थी, इस बार दहेज और बाल विवाह के विरुद्ध में बिगुल फूका है बिहार सरकार ने, जिसमें आम जनता का सहयोग भी लगातार मिल रहा है। ठंड के बावजूद भी अच्छी संख्या में लोग मौजूद थे इस अभियान में। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी कुरीति कुप्रथा को दूर करने के लिए 21 जनवरी को 418 किलोमीटर के रेंज में मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। जिला प्रशासन के साथ साथ प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर और आम नागरिकों के ओर से भी सारी तैयारियां मानव श्रृंखला के लिए किया जा चुका है। पूर्व में भी इसकी जागरूकता के लिए मोटरसाइकिल रैली नेहरू स्टेडियम से निकाली गई। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के विरुद्ध गगनभेदी नारों से पूरे माहौल को आंदोलित कर रखा था। वहीं दूसरी तरफ दहेज रूपी दानव का दहन भी किया गया। इससे पूर्व दहेज रूपी दानव पुतले की शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा में जिलाधिकारी के साथ बड़ी संख्या में जिला स्तरीय अधिकारी भी शामिल थे। पुतला दहन के पश्चात जिलाधिकारी ने कहा कि यह पुतला दहन कार्यक्रम प्रतीकात्मक रूप में आयोजित की गई थी। इसके मायने हैं कि मन और मस्तिष्क में बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसे विचारों को पूर्णतः समाप्त करें।
समाजसेवियों के विरोध में दहेज लोभी दानव की दानव के पद में वो देखते हैं। अंतिम बेर जय बाबा दी जी। हाँ हो गया, आप लोग थोड़ा सा सर पानी पीजिए। आगे आगे मेरे को आगे आगे सर को आगे कर बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरोध में राज्यव्यापी मानव श्रृंखला बनाई जा रही है, उसके उन्मूलन के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए। उसी कड़ी में दरभंगा में भी हम लोग 418 किलोमीटर में मानव श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। जो गतिविधियां हम लोगों ने रखी थी वातावरण निर्माण के लिए, उसी कड़ी में आज यहाँ जिले में भी और विभिन्न प्रखंडों में भी दहेज दानव का पुतला बना करके उसकी शव यात्रा निकाली गई है और उसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। और अभी इस टाइम हम लोगों ने उसका दहन किया है और ये एक तरह से प्रतीकात्मक है कि जो ये दोनों बुराइयां हैं बहुत जड़ बना चुकी हैं हमारे समाज में, उनको हम लोग प्रतीकात्मक रूप से आज जला रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी के आह्वान पर 21 तारीख को बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और आज के बाद दहेज और बाल विवाह जैसी बुराइयाँ, इसके प्रति एक सामाजिक असहमति, एक सामाजिक बहिष्कार की भावना पैदा होगी। मानव श्रृंखला बनने से पूर्व भवन निर्माण मंत्री सह प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी के नेतृत्व में मशाल जुलूस नेहरू स्टेडियम से निकाला गया, जो लहिया चौक, लहरिया सराय टावर, समरणालय, दरभंगा होते हुए वापस नेहरू स्टेडियम आया। मशाल जुलूस में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह के साथ भारी संख्या में जिला स्तरीय पदाधिकारी, कर्मचारीगण, स्कूली बच्चे, विभिन्न संस्थाओं के एवं आम महिला व पुरुष शामिल थे। मशाल जुलूस में शामिल सबों के बीच गजब का उत्साह देखने को मिला। एमआरएम महिला महाविद्यालय में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस नहीं।
एक और जहां मानव श्रृंखला के लिए लगातार सफलता के लिए जिला प्रशासन और अन्य स्तर पर जिसमें कई पार्टियां हैं आयोजन किए जा रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय जनता दल के सुर इस बार बदले हुए हैं। बदली हुई परिस्थिति है। पिछली बार महागठबंधन सरकार में राष्ट्रीय जनता दल ने पूरे जोर शोर के साथ इसमें हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार वैसी स्थिति नहीं है। इस बार जदयू का साथी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल इस बार विरोध में है, विपक्ष में है। और बाल विवाद दहेज उत्पीड़न जैसा काम किसी एनजीओ का है न कि सरकार का, या सिर्फ जनता का मन भटकाने के लिए ये बातें हो रही है। मुख्यमंत्री ढकोसला कर रहे हैं, ये कहा पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता है। उन्होंने पत्रकारों से पार्टी कार्यालय पंडासराय में बात की, कहा कि यह बिल्कुल दिखावा हो रहा है। जब शराबबंदी थी, हम लोगों ने बहुत अच्छे अभियान में उसमें सफलता के लिए योगदान दिया था, और इस बार नीतीश कुमार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए ढकोसले के रूप में इसका आयोजन कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल शरीक नहीं होगा। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए 21 जनवरी को मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। इसकी सफलता के लिए जिला प्रशासन से लेकर प्रखंड, पंचायत, आम नागरिक, जिला में जनप्रतिनिधि, सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल के शिक्षक और बच्चे भी शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ कई पार्टियां भी इसमें अपनी भागीदारी देगी। हालांकि राजद मानव श्रृंखला से अलग है, इनका अपना ही राग है, इनका अपना ही आलाप है। बाल विवाह दहेज उत्पीड़न जैसी काम नहीं किसी एनजीओ का है ना कि सरकार का, यह सिर्फ जनता का मन भटकाने के लिए है। ये बातें पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सह राजद नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने पत्रकारों से कहा। सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। अभी आपको मालूम ही होगा कि सरकार कल फिर मानव श्रृंखला बनाने का 21 को का कार्यक्रम रखी है। आप इतिहास में देख लो, जब कोई सरकार मूल कामों से मूल काम नहीं कर पाती है तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए एनजीओ का और ट्रस्ट सोसाइटी का काम करने लगती है। यही कुछ आज दिल्ली सरकार भी कर रही है और पटना सरकार भी कर रही है। दो दिन पहले 16 तारीख को इंजीनियरिंग के छात्र के हुई पिटाई और जेल भेजे जाने के विरोध में शुक्रवार को आयकर चौराहे पर एआईएसएफ तथा आईडीसीओ के संयुक्त तत्वावधान में जिला प्रशासन का पुतला फूंका गया और मांग की गई कि गिरफ्तार छात्र को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। मालूम रहे कि पॉलिटेक्निक में परीक्षा में कड़ाई को लेकर काफी हंगामा हुआ था, रोड़ेबाजी हुई थी और पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी थी और इस संदर्भ में मुकदमा भी दायर किया गया। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र की रिहाई की मांग को लेकर एआईएसएफ एवं डीएसओ के संयुक्त तत्वावधान में जिला प्रशासन का पुतला फूंका गया। साथ ही मांग की गई कि छात्र को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। वीरेंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जानते हैं कि 16 जनवरी को पॉलिटेक्निक कॉलेज में जब छात्र इंजीनियरिंग के छात्र परीक्षा दे रहे थे तो कुछ सवालों को लेकर कॉलेज प्रशासन और छात्रों के बीच में तनातनी हुई। उस पर छात्र आक्रोशित हो गए और जब छात्र स्वर्गीय पत्रकार पूर्व पत्रकार ख्याति लोक पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता जी की 22वीं पुण्यतिथि की इस अवसर पर दोनार स्थित तिरहुत वाणी कार्यालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन एवं पत्रकारिता विषय पर लोगों ने अपने विचार रखे। लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 22वीं पुण्यतिथि मनाई गई तिरहुत वाणी हिंदी समाचार पत्र कार्यालय में। सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन एवं पत्रकारिता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। हमारे महिलाओं की जो समी भी है और केवल जननी नहीं है हमारा निर्माण भी करती है सख्त करने की कोशिश की गई इसीलिए यही होगी। लेकिन धीरे धीरे ये गड़बड़ी बढ़ते गई। जैसे पहले हम लोग ये समाज शास्त्र के जो छोटी चीजें थी जो परम था इस समाज को तोड़ा गया। कान में मैं साउथ गया था तो मैं देख रहा था नक्सलबारी में मैं काम कर रही सामाजिक ऐसा वैमनस्य पैदा किया गया इतनी बड़ी कुरीति पैदा हो गई कि जो अंग था हमारा एक अंग को कहा गया कि हम छुएंगे ही नहीं चल दिए तो उसे छुआ जाएंगे उसको उस हैसियत में डाल दिया गया। इसीलिए समाज सुधार का आंदोलन प्रारंभ की बात की गई। इसीलिए गांधी हो तिलक हो गोखले हो जो लोग भी हो और आज भी जब हम बात करते हैं तो कहते हैं एजुकेशन दो। लेकिन एजुकेशन कैसा दो? समाज को तोड़ने वाला दो कि समाज को बनाने वाला दो? समाज के महत्व को रेखांकित करो? ये बड़ा प्रश्न है जिसमें पत्रकारों ने अहम भूमिका अदा की है। गांधी भी पत्रकार थे तिलक भी पत्रकार थे तमाम लोग हमारे जितने पुनर्जागरण के 22वीं पुण्यतिथि पर आज दरभंगा के पत्रकार समाज से भी विशेष रूप से एक संगोष्ठी में जुड़े हैं। यह संगोष्ठी सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन एवं पत्रकारिता विषय पर आयोजित है। इसमें जो विचार उभर के आएंगे वो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होगा ऐसा हम समझते हैं। हम लोग ऐतिहासिक आयोजन है प्रमोद जी और प्रदीप जी हर वर्ष करते हैं और स्वर्गीय गोविंद गुप्ता जी से पूरे मिथिलांचल में पत्रकारिता के देश पितामह रहे हैं और उन्होंने न केवल पत्रकारिता को आगे बढ़ाया बल्कि पत्रकारिता को सामाजिक कार्यों से जोड़ा सामाजिक कल्याण से जोड़ा और नई पीढ़ी को एक पत्रकारिता के खास मूल्य बोध के तहत प्रेरित किया एक पीढ़ी उन्होंने तैयार किया। इसलिए इस मौके पर उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि हमारी ओर से और उनकी जो विरासत। सरफराज आलम BTN न्यूज। स्वर्गीय गुप्ता जी दो अर्थों में दरभंगा खासकर मिथिलांचल की पत्रकारिता में स्तंभ माने जाते हैं कि वो एक सामाजिक सरोकार के व्यक्ति थे। पत्रकारिता का धर्म जो था वो निभाते थे साथ साथ सामाजिक सरोकार उनके लिए सबसे बड़ा उद्देश्य था और उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो तमाम तरह कार्य करते थे। ऐसे मानव के लिए हर साल इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा होती है मैं उन्हें श्रद्धांजलि करता हूँ। और ये भारतीय क्षेत्रीय महासभा की ओर से महाराणा प्रताप स्मृति दिवस का आयोजन किया गया एकमी घाट के निकट। वक्ताओं ने उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रण लिया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से महाराणा प्रताप स्मृति दिवस का आयोजन किया गया एकमी घाट के निकट। सत्येंद्र कुमार BTN न्यूज। अमर रहे महाराणा प्रताप। अमर रहे महाराणा प्रताप। अमर रहे महाराणा प्रताप। अमर रहे महाराणा प्रताप। अमर रहे। पुल ने हाँ ये पुल बढ़िया है। हाँ 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 महाराणा प्रताप
जी का स्मृति दिवस आज एकमी घाट चौक पर मनाया जा रहा है, जिसमें सभी जाति और सभी मजहब के लोग यहाँ हैं और सभी का अनुयायी थे महाराणा प्रताप। इसलिए सभी मजहब और सभी धर्म और सभी जाति के लोग हैं, किसी खास जाति के महाराणा प्रताप नहीं थे। इसलिए सभी जाति यहाँ उपस्थित हैं, सभी धर्म उपस्थित हैं। उनके स्मृति दिवस पर चांडी, अझोल, गुड़ियारी, लहरिया चरा, दरभंगा, जुगियारा, सैदनगर, सभी जगह के आदमी यहाँ उपस्थित हैं। 500,000 के आबादी में यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग चाहेंगे कि महाराणा प्रताप के नाम पर महाराणा प्रताप के कर्तव्यों का अनुयायी करें, जिससे कि महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर हम लोगों को चलने में सुविधा हो। और सभी आदमियों से भी आग्रह करेंगे महाराणा प्रताप के अनुयायी रहते हुए महाराणा प्रताप के पद चिन्ह पर चलने का प्रयास करें, और उनके पद चिन्ह पर चलने का प्रयास करने से होगा कि आपसी विमनस्ता कभी फैलेगी नहीं, द्वेषता कभी फैलेगी नहीं, हम लोगों को सामंजस्यता बना रहेगा और अभी भी बना है। इसलिए एक भी घाट चौक पर हम लोग मनाए हैं, जो सभी जात मजहब सभी धर्म के लोग यहाँ उपस्थित हैं। महाराणा प्रताप जी का आज स्मृति दिवस था, हेलो, इसलिए हम लोग सुख शांति और सबके लिए स्मृति का एक बात करते हुए उनका स्मृति दिवस मनाए हैं और मनाते रहेंगे। उसमें हर एक जाति, हर एक मजहब सबके लोग आए हुए थे और सब आदमी शांति से इस चीज़ को हम लोग मनाए। स्मृति दिवस है, स्मृति दिवस हम लोग क्यों मना रहे हैं? वो अपने जान की आहुति दिए थे जो हमारे देश पर दुश्मन जो है चढ़ाई किए, तो वो ये नहीं देखे कि किस जाति पर चढ़ाई हो रहा है, चाहे किस मजहब पर चढ़ाई हो रहा है। वो पूरे देश के लिए जो है अपनी जान की आहुति लगा दिए। यहाँ के जो भी जनता सुन रहे हों, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि जो है ये महाराणा प्रताप जो है अंग्रेजों से जो है लड़ाई लड़ी और अपने जान की आहुति दी ताकि हमारा देश बचा रहे, हमारे देश की जनता बचा रहे। इसलिए आप लोग इस देश में अभी आपको वो ऊपर से जो भगवान भेजे हैं, आपको भी कुछ करने के लिए भेजे हैं, ये ना कि आपस में जो एक दूसरे का विरोध करने के लिए भेजे हैं। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा कुरीतियों को दूर करने हेतु मानव श्रृंखला आयोजन की तैयारियां पूरी। जिला प्रशासन के साथ प्रखंड पंचायतों के आम नागरिक, जनप्रतिनिधि, विभिन्न पार्टियां समेत सरकारी प्राइवेट स्कूल के बच्चे एवं शिक्षकों की होगी भागीदारी। 418 किलोमीटर तक होगा निर्माण। राजद के बदले बोल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राजद नेता मामा अली अशरफ फातमी ने कहा, बाल विवाह दहेज उत्पीड़न के खिलाफ अभियान जैसा काम किसी एनजीओ का है न कि सरकार का, जनता को भटकाने का कर रहे काम। और पुण्यतिथि पर याद किए गए ख्याति लब्ध पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन एवं पत्रकारिता विषय पर वक्ताओं ने रखे विचार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।